जगदीशपुर थाने के समीप एक मकान से पुलिस ने दो युवक और एक युवती को देह व्यापार के शक पर गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि कपड़े की दुकान के ऊपर बने कमरे में दो युवक और एक युवती 3-4 घंटे से बंद है। युवती स्थानीय नहीं है। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने तक दोनों युवक एक युवती के साथ कमरे में बंद थे। इसकी काफी देर तक यहां चर्चा होती रही। सूचना पर डीएसपी सह थानाध्यक्ष विपिन बिहारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कमरे को खुलवाने का प्रयास किया। पुलिस को दरवाजा खुलवाने के लिए 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने पूरे कमरे की तलाशी ली, जिसके बाद दोनों युवक और युवती को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पूछताछ के दौरान युवती ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उक्त युवती का पता ठिकाना मालूम कर लिया। उसके स्वजन से संपर्क कर मामले की जानकारी दी गई। गिरफ्तार युवकों में कुमार सौरभ और मोनू कुमार शामिल हैं। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों और स्वजनों ने बताया कि गौरव की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, इलाज चल रहा है। वहीं मोनू ने बताया कि सौरभ को पैसे की जरूरत थी, मैं पैसा पहुंचाने आया था, लेकिन वहां युवती कौन थी और क्या कर रही थी इसकी जानकारी वो नहीं दे सका। तभी पुलिस आ गई और थाने ले गई। डीएसपी विपिन बिहारी ने बताया कि दोनों आरोपित युवक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने बताया कि युवक और युवती के पूछताछ के आधार पर कुछ और मामले उजागर होने की संभावना है। पुलिस शीघ्र ही मामले को उजागर करेगी। भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले में सुल्तानगंज के वार्ड नंबर 5 के निवासी राजा यादव को 2 अपराधियों के द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने राजा को इलाज के लिए सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल की स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 5 के बालू घाट पर अपने वासा पर राजा यादव सोया हुआ था। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत है। राजा यादव की बहन नूतन कुमारी ने सुबह अपराधियों द्वारा उसके भाई को गोली मारे जाने की बात बताई है। वहीं सुल्तानगंज थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। 24 घंटे के भीतर अपराधियों के द्वारा दूसरे आपराधिक घटना को अंजाम दिए जाने से इलाके में भय का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर के सनहौला प्रखंड के बैजनाथपुर में मुख्यमंत्री नल जल योजना से नवनिर्मित जल मीनार की पानी की टंकी अचानक फटने से स्थानीय लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो कार्य में काफी अनियमितता बरती गई थी, जिसकी वजह से इतने कम समय में ही मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल यहां नाकाम साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टंकी निर्माण कार्य में मुखिया और कुछ दबंग व्यक्ति के द्वारा कार्य करवाया गया था। इस दौरान मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं लगाए जाने से पानी का टंकी फट गया, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर मुखिया व अन्य प्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जितना होना चाहिए वो उतना नहीं, उससे भी आधा भी कम हुआ है। समर टेबल भी कम एचपी का लगाया, स्टार्टर भी कम दामी है, रोज जलता है, रोज मतलब कुछ ना कुछ परेशानी होता था पहले। 20 मिनट में खाली होता है, उसके बाद फिर समय 20 मिनट चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस गर्मी के मौसम में स्थानीय जनप्रतिनिधि कब तक अपनी जनता का सुध लेते हैं और लोगों को गंभीर जल संकट से निजात मिल पाता है। भागलपुर के जगदीशपुर बाईपास थाना क्षेत्र के मुखेरिया गांव में खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक चालक की पहचान मुखेरिया गांव निवासी 35 वर्षीय संजय कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि खुटाहा गांव के दीपक कुमार का खेत जुताई हो रहा था। इसी दौरान चालक से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में ही पलट गया और चालक संजय ट्रैक्टर के नीचे दब गया।
कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर अपना खेत जितवाने गया, उसी क्रम में जो गाड़ी पर से किसी तरह गिर गया, गाड़ी पर से गिर गया कि ट्रैक्टर पलटी गया, चक्कर आया तो गिर गया, जो गाड़ी मतलब उसमें दबा गया, गाड़ी पलटी ने बाद में हुआ ना, उसी तरह गाड़ी तो पलटा हुआ, बस गाड़ी का फोटो लेके आए पलट गया, खेत जोतने में बस हो गया कहानी खत्म। क्या नाम था जो तो ड्राइवर था, और ड्राइवर का नाम तो खेत जोतने गया था, इनके बाद जो है तो उसको मतलब चक्कर है क्या तो देखा नहीं, लेकिन वो गिरा जी लोग गया तो देखा मृत्यु आधा घंटा पहले डेट हो गया था। भाजपा नेता बंटी यादव इन दिनों दिल्ली की यात्रा पर है, जहां आज वो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन तथा श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने उनके आवास पर गए, जहां पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं बंटी यादव ने बताया कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनका आशीर्वाद एवं स्नेह प्राप्त है। भागलपुर के नौगछिया के पलबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पर एक अज्ञात ट्रक के धक्के से मोटरसाइकिल पर सवार खरीक बाजार निवासी दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में चंदू धामा और उसकी पत्नी रीता देवी शामिल है, जबकि मोटरसाइकिल चालक पप्पू धामा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पप्पू चंदू का चचेरा भाई है और उसे इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद पलबत्ता के थाना अध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल से पुलिस ने सबसे पहले घायल पप्पू धामा को इलाज के लिए भेजा और फिर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाबत मृतक के परिजन संतोष धामा ने बताया कि एक ही मोटरसाइकिल से तीनों भागलपुर के तिलका मांझी के पास एक गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। मोटरसाइकिल पप्पू धामा चला रहा था, जबकि चंदू धामा और रीता देवी मोटरसाइकिल पर सवार थे। बीच पुल के पास भागलपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक ने मोटरसाइकिल में पीछे से जबरदस्त धक्का दे मारा। धक्का लगने के बाद चंदू और उसकी पत्नी रीता देवी पुल पर गिर गए और ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, जिससे दोनों पति पत्नी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पप्पू रेलिंग पर गिर पड़ा, जिससे वह घायल हो गया और उसकी जान बाल बाल बच गई। वहीं एक साथ दोनों पति पत्नी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो गई। कोरोना को लेकर इस वर्ष भी श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगा दी गई है, साथ ही सभी धार्मिक संस्थानों को बंद रखे जाने के निर्देश गृह विभाग की तरफ से दिए गए हैं। भागलपुर के मड़वा स्थित ब्रजलेश्वर नाथ मंदिर, अजगैबी नाथ मंदिर, बूढ़ा नाथ मंदिर भी बंद रहेंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी धार्मिक संस्थानों व शिवालयों को बंद रखा जाएगा। 6 अगस्त तक ये आदेश प्रभावी रहेगा, अगले बैठक के बाद आगे का आदेश जारी किया जाएगा। बता दें, सुल्तानगंज के मुख्य मंदिरों में सावन महीने में हर सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती थी। वहीं प्रसिद्ध उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज घाट से लाखों श्रद्धालु जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम पैदल जाते थे, लेकिन बीते 2 वर्षों से कोरोना के कारण मंदिरों को बंद रखा जा रहा है। श्रद्धालु घर में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसमें यही है कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं सभी बंद रहेंगे, अगस्त के प्रथम सप्ताह तक ये आदेश प्रभावी है, उसी के हिसाब से कार्रवाई होनी है। सबका यही परिणाम है कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रयास करना चाहिए, कहीं भी भीड़भाड़ नहीं लगानी चाहिए और धार्मिक संस्थान जो है वो बंद रहेंगे। सावन को लेकर के भी जो कांवड़ यात्रा होती थी वो भी इस बार नहीं होगी। भागलपुर के बूढ़ा नाथ स्थित एक विवाह भवन में विजय मित्रा नगर मंडल के कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। मंडल अध्यक्ष सुधीर कुमार भगत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर, अभय घोष, सोनू पार्षद, विधुवाला सिंह, संजय भट्ट सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
कोरोना संक्रमण की दूसरे लहर के बाद आयोजित पहली बैठक के दौरान संभावित तीसरे लहर से बचाव को लेकर चर्चा की गई और भाजपा कार्यकर्ताओं को सेवा भाव के साथ तीसरी लहर से लोगों को जागरूक करने और बीमार होने पर लोगों को मदद पहुंचाए जाने को लेकर कार्य योजना बनाई गई। साथ ही कोरोना संक्रमण काल में अच्छा काम करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुधीर भगत ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर कोरोना के गाइडलाइन का पालन कराए जाने को लेकर जागरूक करेगी, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन पर लगातार दूसरे वर्ष रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर भागलपुर के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट सुल्तानगंज से जल लेकर झारखंड स्थित बाबा धाम में जलाभिषेक पर रोक लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार और सभापति नीलम देवी के निर्देश पर देश के अलग अलग हिस्सों से जल भरने सुल्तानगंज पहुंचने वाले कांवड़ियों के लिए गंगा स्नान और वैद्यनाथ धाम जल ले जाने को वर्जित कर दिया गया है। इसके लिए अजगैबीनाथ मंदिर सहित गंगा घाट और जहाज घाट को बांस से बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है और कांवरियों के जागरूकता के लिए नगर परिषद द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर कांवरियों को जल भरकर झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर जाने और जलाभिषेक किए जाने पर रोक लगाए जाने की सूचना दी गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी गंगा घाटों पर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश को पालन कराने हेतु कमर कस लिया गया है। साथ ही झारखंड सरकार ने भी बिहार झारखंड सीमा को सील कर दिया है, जिससे कांवरिया सीमा पार नहीं कर सके। रोक के बावजूद कुछ कांवरिया जल भर चोरी छुप के बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। कर नहीं जान देंगे सीमा पर, तो सीमा पर ही बाबा का नाम से जल अर्पित कर सीमा से लौट जाएंगे। लेकिन बाबा को किसी तरह हम तो लोगों को दर्शन करने का आदेश पालन किया जा चुकी कि मंदिर की हम लोग अलग से देखकर मनोकामना को पूरा करें। जल भरेंगे, जल भर के बाबा का दरबार जाएंगे, नहीं जाने देगा तो बाबा का चौखट भी छू देंगे, वहीं हम जल चढ़ा देंगे, मत जाएंगे, नहीं जान। भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ और जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने अब बाढ़ और कटाव से बचाव को लेकर एक अनूठी पहल की है। बिहार में बाढ़ एक बड़ी आपदा है और यह प्रलय बन जाती है, जब पानी के तेज बहाव से ग्रामीणों का घर और पूरा गांव ही समाने लगता है। भागलपुर जिले के गंगा और कोसी नदी के किनारे बसे गाँव में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जिससे बचाव को लेकर डॉक्टर अजय कुमार सिंह की टीम ने डॉक्टर अजय एंड टीम केज मॉडल टू सेव विलेज फ्रॉम फ्लड टेक्निक का इजाद किया है, जिसका परीक्षण खरीक प्रखंड स्थित चोरहर गांव, जहां अभी कई घर कोसी में बह गए हैं और कई बहने के कगार पर है, में किया गया। इसके लिए जो उपकरण बनाया गया है वह लोहे की सरिया का फ्रेम बनाकर उसे तार की जाली से घेर कर एक पिंजड़ा नुमा आकार दिया गया है, जो तत्काल 10 फीट ऊंचा 4 फीट चौड़ा पिंजड़ा जैसा है। इसे रस्सी के सहारे पानी में उतारा गया और उसे किनारे में खड़ा कर दिया गया, फिर उसे प्लास्टिक के मजबूत बोरी के अंदर बालू मिट्टी डालकर उस पिंजड़े को भर दिया गया। वैसा ही दूसरा पिंजड़ा उसके बगल में डाला गया और उसे आपस में बांध दिया गया। इस पिंजड़े को बाहर भी खूंटे और रस्सी से जमीन पर बांध दिया गया। यदि इसी तरह से 200 से 400 यूनिट को एक दूसरे से बांध कर कटाव वाले किनारों में खड़ा कर दिया जाए तो यह बांध सा मजबूत दीवार बन जाएगा। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह का कहना है कि सरकार हर साल ऐसे कटाव पीड़ित गांव को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और लाखों बालू भरी बोरी डालती है। कुछ देर के लिए वो कार्य करता है, लेकिन फिर एक बार तेज धार में बहने लगता है और फिर कटाव होने लगता है। उन्होंने बताया कि नई तकनीक से बाढ़ और कटाव पर काफी हद तक तो अंकुश लगाया जा ही सकता है। साथ ही सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ और कटाव निरोधी कार्य में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बच सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टीम के द्वारा इजाद किया गया नया टेक्निक लोहे का बना होने से कई साल तक प्रयोग में लाया जा सकता है। डॉक्टर अजय सिंह के इस सोच को डिजाइन करने में इंजीनियर संदीप तिवारी, इंजीनियर रवि शास्त्री, राजीव प्रदीप एवं संजीव ने मदद की है। साथ ही जीवन जागृति के राकेश माही एवं धर्मेंद्र ने भी साथ दिया है। नई यंत्र या नए तरीके का इजाद किया है जो उस गांव को कटाव पीड़ित से रोक सकता है या ऐसे किसी भी गांव को कटाव से रोक सकता है। यह लोहे के सरिये का फ्रेम बना के उसको जाली से घेर करके एक पिंजड़े नुमा आकार का हमने यंत्र बनाया है
और उसमें ही बालू की बोरियां भरनी है। तो इसका परीक्षण हम लोगों ने गंगा किनारे किया और दो हम लोगों ने ऐसा केज यानी पिंजरा जिसका नाम हमने दिया है केज टेक्निक टू सेव विलेज फ्रॉम फ्लड, और इसके द्वारा हम लोगों ने पानी में इस केज को डाला और उसमें बोरी को रखा। ऐसा करके बोरी उसमें रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बहेगा नहीं, और बगल में आप 1, 2, 3, 4 कई ऐसे केज को लगा दें तो एक मजबूत बांध के तरह दीवार हो जाएगा और कटाव को रोक देगा। ग्रामीणों ने इसे बहुत इससे इसको देखकर बहुत ही खुश हुआ और कहा कि इसी तरह के चीज़ से हम बच सकते हैं, नहीं तो ये बोरियाँ हमें नहीं बचा सकती हैं। ICSE बोर्ड का रिजल्ट आ गया और भागलपुर के बच्चों ने बाजी मारी है। सेंट जोसेफ स्कूल में 12वीं में कॉमर्स से जिला टॉप रहे कुणाल जैन कोरोना काल में अपने तमाम गैजेट्स और नोट्स के जरिए पढ़ाई में लगनशील रहे। स्कूल के शिक्षक का भरपूर सहयोग रहा, गार्जियन की तरफ से कभी कोई दबाव नहीं रहा। भागलपुर के नया बाजार इलाके में रहने वाले बड़े व्यवसायी संजीव जैन और अलका जैन के पुत्र एवं दीपक जैन के भतीजे कुणाल जैन का कहना है कि फिलहाल 12वीं बोर्ड क्वालिफाई किया हूं, आगे उनकी ख्वाहिश डेटा साइंटिस्ट या रिस्क एनालिस्ट बनने की है। आपको बता दें कुणाल जैन ने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स और गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। तैयारी तो शुरू से बस कंसिस्टेंटली पढ़ने का ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं और पढ़ रहा है थोड़ा मार्क्स का तो फिर आ जाता है। मेरा टीचर्स तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ऑब्वियसली, और मम्मी पापा भी मतलब बोलते नहीं थे, मतलब फोर्स नहीं करते थे, क्या बोलते तुमको पढ़ना ही है, बोलते थे जितना हो सके उतना पढ़ो, ऐसा नहीं कि अपने आप को बर्डन देना। विकासशील इंसान पार्टी और निषाद विकास संघ के द्वारा दस्यु सुंदरी और पूर्व सांसद फूलन देवी का 20वां शहादत दिवस मनाया गया। पार्टी के सराय स्थित कार्यालय में सर्वप्रथम उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर और श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने संकल्प लिया कि बहन फूलन देवी जैसा ही हमें अपने जीवन में संघर्ष करना है और अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा ताकि हम शिक्षित बनकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके। VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल हसन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने फूलन देवी के जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। सुल्तानगंज के आनंद मार्ग आश्रम कस्माबाद के प्रांगण में एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुल्तानगंज क्षेत्र के अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने 250 से अधिक मरीजों की जांच कर मरीजों के बीच मुफ्त दवाई का वितरण किया। शिविर में डॉक्टर अवधेश कुमार, डॉक्टर मयंक, डॉक्टर तमन्ना और डॉक्टर दानिश मंजर ने मरीजों का इलाज किया। चिकित्सकों ने मरीजों का ऑक्सीजन लेवल, हृदय रोगियों का ECG, शुगर जांच सहित कई तरह की जांच कर मुफ्त में दवाई दी। मौके पर सुल्तानगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रवि सुमन कुमार, घनश्याम कुमार, संतोष कुमार सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी मौजूद थे।